أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हमारे सेकेंड ईयर के तलबा व तालिबात, आज हम किस्म शेर यानी के हिस्सा पोएट्री से, पोएट्री पार्ट से, हिस्सा नज़म से पहली नज़म अलहमद, अलहमद की, अलहमद को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह. अलहमद, अलहमद यानी अल्लाह की तारीफ, प्रेज ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की तारीफ को, जिन अशार में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है उसको हमद कहते हैं, जिन अशार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है उसको नात कहते हैं. अब अल्लाहु जल्ल शानहु, अल्लाहु जल्ल शानहु लहुस सिफातुल बाकिया, अल्लाह अल्लाह ताला उसकी शान बड़ी है, अल्लाह ताला की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह बुजुर्ग व बरतर है. लहुस सिफातुल बाकिया, उसकी सिफात हमेशा हमेशा रहने वाली है, उसकी सिफात, उसकी वो अपने नामों जैसा कि ईमान मुजम्मल में है, आमंतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमीअ अहकामिही, इस यानी कि अल्लाह ताला जिस तरीके से, अल्लाह ताला कदीम है, जिस अल्लाह ताला के अपने मुतालिक जो अकायद है वो उसमें क्या है, ये दाखिल है कि अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की जात के साथ अल्लाह ताला की सिफात भी हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है. रब्बुस समाई वल अराज़ी वल मियाहिल जारिया, रब्बुस समाई वल अराज़ी वल मियाहिल जारिया, अल्लाह ताला कैसा रब है, अल्लाह आसमान और जमीन का पालने वाला है, आसमान और जमीन का पालने वाला है, उससे मुराद आसमान और जमीन के दरमियान जितनी भी मखलूकात हैं उन सब का रब, हकीकी पालने वाला अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व ताला ही है. अल्लाह ताला ही ने जराए जराए पैदा किए हैं, असबाब पैदा किए हैं बंदों के, मखलूकात की के परवरिश के, अल्लाह अदर हकीकत पालने वाला अल्लाह ताला ही है. वल मियाहिल जारिया, और बहते पानी का रब है, यानी कि अल्लाह ताला पानी जो दरियाओं से, नहरों से, समंदर से, जो जो भी पानी दुनिया में बह रहा है, जो भी बारिश के जरिए पानी आता है, सबका परवरदिगार, सबका पालन पालनहार, सबके ऊपर कुदरत रखने वाला अल्लाह ताला ही है. वयबसुरुन नमला, वयबसुरुन नमला फी जनहिल लयालिद दाजिया, वयबसुरुन नमला फी जनहिल लयालिद दाजिया, इस मिसरे में शायर अल्लाह ताला की बसारत का जिक्र कर रहा है कि अल्लाह ताला की बसारत का क्या आलम है, वो चींटी को देखता है तारीख रात में, तारीख रात में देखा है, देखते अक्सर अगर अपने पास तो कभी लाइट ऑफ हो जाती, कभी करंट नहीं रहा तो अपने को कैसा होता, अपने को बड़ी से बड़ी चीज, एक दूसरे को हम अपने अपन भाई भाई बहन साथ में घर में मम्मी बाबा कोई भी नजर नहीं आते अंधेरी रात में, तो अल्लाह ताला की बसारत का यह आलम है कि अल्लाह ताला का अंधेरी रात में ज्यूटी जैसी छोटी सी मखलूक को देखता है, देख सकता है. और एक हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह ताला की बसारत उस समात का ये आलम है कि अंधेरी रात में काले पहाड़ पर काली चींटी के को देखता भी है और उसके चलने की आहट को सुनता भी है. तो इससे हमको ये समझना चाहिए, ये दिल में यकीन रखना चाहिए कि हमारे हमारे तमाम मामलात पर अल्लाह ताला की नजर है, अल्लाह ताला हमको देख रहा है. अगर हम हमारे अंदर ये ख्याल पक्का पक्ता अकीदा रहा तो हम क्या कर सकते, गुनाहों से बच सकते. जब अल्लाह ताला एक बारीक चींटी को देखता है तो अल्लाह ताला से ये क्या उम्मीद है कि हमारे कामों पे नजर ना हो, हमारे जो भी अमल है, हमारे हम जो भी कर रहे हैं, हम दिल में, हमारे दिल में भी जो ख्याल है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा, वो भी अल्लाह ताला उससे भी बखूबी वाकिफ है. मुख्तदिरुन ज़ू रहमा, मुख्तदिरुन ज़ू रहमतिन व आखिज़ुन बिन नासिया, वो कुदरत वाला रहमत वाला है, वो
हर चीज पर अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर खादिर है, हर काम के हर काम पर कुदरत रखता है। वह आखिजम बिन नासिया, और गुनाह पर यानी नासिया के माने पेशानी, यानी गुनाह पर सख्त गिरफ्त करने वाला भी अल्लाह ताला क्या है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला कोई बड़े से बड़े गुनाह को माफ भी कर सकता है। हमको उसकी रहमत के तलबगार रहना चाहिए, हमको उससे माफी के तलबगार रहते रहना चाहिए, माफी अल्लाह से इस्तगफार करते रहना चाहिए हमारे गुनाहों से, दानिस्ता जान कर अनजान अनजाने में जो भी हमारे से गुनाह हो रहे हैं उससे अल्लाह की से मगफरत तलब करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला रहमत वाला है। अल्लाह ताला की रहमत से हमारे गुनाह माफ हो सकते हैं, और अगर हमारे गुनाह को अगर वो कहार व जब्बार भी है, अगर वो गुनाह को पर सख्त से सख्त सजा देने पर भी कादिर है, तो उससे पनाह मांगना है कि अल्लाह हमारे गुनाहों की पकड़ मत कर, तेरी रहमत का वास्ता हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अब इसका अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ेंगे। अल्लाहु जल्ले शानहु, अल्लाह ताला इज ग्लोरियस, लहुस सिफातुल बाकिया, हिज एट्रीब्यूट्स आर एवरलास्टिंग, रब्बुस समाई वल अराजी, He is the Lord of the earth, sky and earth. Wal miyahil jariya, He is the Lord of the flowing water. Wayabsurun namla, He can see an ant. Janhil layali dajiya, in the dark of the night. Muqtadirun zu rahma, He is almighty and merciful. Wa akhidun bin nasiya, none can escape His grasp. अब आखिरी मिसरा, फख्शी मिन अल्लाह, बस तू अल्लाह से डर। इससे यानी कि जो पूरी नज़म में जो बात बताई गई है हम्द में, उससे उसका निचोड़ यह है कि हमको अल्लाह से हमेशा डरते रहना चाहिए, अल्लाह से डरते रहना चाहिए। अल्लज़ी आलमु कुल्ला खाफिया, क्योंकि इसलिए डरना है हमको क्योंकि वो हर पोशीदा चीज को जानता है। सो फियर अल्लाह हु इज अवेयर ऑफ ऑल सीक्रेट्स। तो अब हुई ये नजम। अब इसमें क्या है, इसमें वो पूरी बात क्या बताई, पूरी पूरी बात मतलब इसका खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला बड़ी शान वाला है, उसकी सिफात हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है, और जमीनों और आसमानों का रब है, यानी कि जमीन और आसमान में जो कुछ भी हो रहा अल्लाह ताला की कुदरत से है, और अल्लाह ताला ही सब काम का चलाने वाला है, दुनिया का दुनियावी निजाम जो है वो सब चलाने वाला अल्लाह ताला ही है, और अल्लाह ताला की समात व बसारत का यह आलम है कि अल्लाह ताला माँ की मिसाल दी गई उसकी, एक बारीक चींटी छोटी सी मखलूक उसको अंधेरी रात में देख सकता भी है और उसकी आहट को सुन भी सकता है, और इसी तरह अल्लाह ताला रहमत वाला है, अपने रहमत से गुनाहों को माफ करने पर खातिर है, और इसी तरह उन्हें अल्लाह ताला का हार व जब्बार भी है, अल्लाह ताला सजा देने पर भी कुदरत रखता है, सजा भी दे सकता है। तो इसीलिए हमको अल्लाह से हमेशा हमको अल्लाह से डरते रहना चाहिए, डरने से मुराद गुनाहों से बचते रहना चाहिए कि अल्लाह अल्लाह ये बात से हमारी कहीं ये अदा से हमारी ये हरकत से कहीं अल्लाह गजबनाक ना हो जाए, इसीलिए अल्लाह से डरते रहना चाहिए। तो अब हमको क्या करना है, ये नज़म, ये इस तरीके से नज़म को हम पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अब आपको जो एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, अहम सवाल, वो सवाल यूँ रहेंगे, आपको क्या करना है, इसका खुलासा लिखना रहता, इसका खुलासा, इसको आप खुलासा आपके कॉलेज के जो भी कंसर्न लेक्चरर है उन्होंने वो खुलासा अगर सेंड कर दिए तो आप लिख ले सकते, या नहीं तो आप ऐसा बड़े बात खुलासा अपने से लिख सकते, या कोई किताब लेके भी लिख सकते। अब इसमें देखिए, पहला सवाल ये आ सकता आपको कि ये जो दो मिसरे हैं वो दो मिसरे इनकम्प्लीट रहते,
अल्लाह हुआ के आपको यहाँ ये मुकम्मिल नहीं रहता, तो मिसरा मुकम्मिल कीजिए और तशरी कीजिए, मिसरा मुकम्मिल कीजिए और तशरी कीजिए। तो आप क्या करना, मिसरा मुकम्मिल करना, यानी कि आपको करना क्या है, ये दो मिसरे मुकम्मिल याद करना। अल्लाह जल्ले शानहु लहु सिफातुल बाकिया रब्बुस समाई वल अराजी वल मियाहिल जारिया, ये दो मिसरे आप मुकम्मिल याद करना, याद करके इसका तर्जुमा और तशरी करना। तशरी दो, ये दो मिसरों की तशरी बस आपको एक सवाल के लिए। फर्स्ट एग्जाम में आपको पहले पहला सवाल यही रहता, आप पहला सवाल फर्स्ट बिट में आप इसकी तशरी कौन सी, ये अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू मीडियम है तो उर्दू में भी कर सकते हैं। अब आपको योर ओन लैंग्वेज इसमें क्या रहेगा, तर्जुमा और तशरी आप आपकी मादरी जबान में कर सकते हैं। ये मिसरे मुकम्मिल करके आप ये तशरी करने का है। उसके बाद दूसरे सवाल में आपको खुलासा, उक्तुब खुलासा नशीदतु अलहम्द, उक्तुब खुलासा नशीदतु अलहम्द, इसका मतलब क्या है, नजम नजम अलहम्द का खुलासा लिखिए। अब देखिए ये सवाल, सवाल नंबर 5 एग्जाम में सवाल नंबर 5 में आता है आपको, उज़्कुर मर्जिया हाजी हाजल बैत, हाजी हाजल बैत, उसका मतलब क्या है, यानी तो मिन अय्यू नशीदती हाजी हिल अब्यात, इसमें चार नज्म के चार मिसरे रहते, चार नज्म के आप ये नज्म के ताल्लुक से हम ये मिसरा आपको लिख के बता रहे नहीं, लेकिन एग्जाम में एनुअल एग्जाम में आप वो चार नज्म के चार मिसरे रहते, तो आपको पहचानना है इसको, क्या करना है, आप पहचानना है कि ये कौन सी नज्म का मिसरा है, ये कौन सी, ये एक जो लाइन है ये मिसरा कौन सी नज्म का है। अब आप समझ सकते ना, अब ये नज्म पढ़ लिया आप, अल्लाह जल्ले शानहु लहु सिफातुल बाकिया कौन सी नज्म का है, अल्लाह जल्ले शानहु लहु सिफातुल बाकिया आप समझ गए ना, आप उर्दू में बोल सकते हैं, आप आपकी जो भी मादरी ज़बान है उसमें आप बोल सकते कि ये शेर नज़म अलहम्द से लिया गया है। उसी बात को आपको अरबी में लिखना है, ये शेर जैसा कि रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश में उर्दू में लिखते थे आप लोग, उसी तरीके से हाजल बैतु ये मिसरा, हाजल बैतु उखिज़ा मिन नशीदती अलहम्द, ये मिसरा नज़म अलहम्द से लिया गया है। इसी तरीके से अब आपको दूसरी नज़म का भी, आपको एक आंसर आप एक जवाब याद कर लिए तो आप दूसरी नज़म का भी या नाम बदल के लिख दे सकते, दूसरी नज़म में भी आपको पूरा सवाल याद कर जवाब याद करने की जरूरत नहीं रहती। अजीब अजीब अनिल असिलत आती है थी। अब देखिए दूसरे आपको सवाल नंबर सात में आता आपको एग्जाम में सवाल आता, अजीब अनिल असिलत आती है थी मंदरजा ज़ैल सवाल के जवाब दीजिए, उसमें चार सवाल आते थे, चार में से दो करना रहता आपको, तो हर नज़ उसमें भी पोएट्री से रहते हो, लिमनी सिफातुल बाकिया उसमें से चंद अहम में लिख के बता रही हूँ आपको, लिमनी सिफातुल बाकिया किसकी सिफात बाकी रहने वाली है, ये आपको सवाल का तर्जुमा मालूम रहा तो जवाब देने में बहुत आसानी हो जाती है आपको, लिमनी सिफातुल बाकिया किसकी सिफात बाकी रहने वाली है। अब आप लोग खुद जवाब बोलते, उर्दू में तो बोल नहीं सकते, आपकी मादरी ज़बान में आप बोल सकते, लिल्लाहि सिफातुल बाकिया अल्लाह की सिफात बाकी रहने वाली है, हलिल्लाहु जल्ले शानहु क्या अल्लाह बड़ी शान वाला है, नाम अल्लाहु जल्ले शानहु हाँ अल्लाह बड़ी शान वाला है, मन रब्बुस समाई वला राजी, मन रब्बुस समाई आसमान का रब कौन है। अब बोलिए आप यहाँ पर देखिए हलिल्लाहु जल्ले शानहु हल निकाल दे के नाम लगा दिया तो जवाब हो गया, नाम के माने यस हाँ, आपको तर्जुमा मालूम रहा तो आप ये जवाब को बना सकते आसानी से। अब देखिए इधर तीसरा सवाल, मन रब्बुस समाई आसमान का रब कौन है, मन निकाल के अल्लाह, अल्लाह रब्बुस समाई अल्लाह आसमान का रब है। अब इसी तरीके से दूसरे सवाल बताऊंगा, अजीब अनिल असिलतिल आपको सवाल नंबर 9 में वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को मालूम ना, जैसा कि इंग्लिश में उर्दू में
वन वर्ड क्वेश्चन रहते, इसी तरीके से अरबी में भी वन वर्ड क्वेश्चन है। अजीब अनिल असिलतिल आतियति बिकलिमतिन वाहिदतिन, बिकलिमतिन वाहिदतिन, एक कलमे में जवाब दीजिए, एक कलमे में जवाब दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड, एक कलमे में जवाब दीजिए। यह भी बहुत आसान है, आपको हर सवाल के लिए एक निशान है, एक मार्क है दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। आपको सिर्फ क्या करना है, सवाल का तर्जुमा, सवाल के माने मालूम रहे तो आप जवाब आसानी से दे सकते। अब देखिए इधर, ए मन रब्बुल अराजी, मन रब्बुल अराजी, जमीन का मालिक कौन है, जमीन का मालिक कौन है, जमीन का मालिक कौन है बोलिए, जमीन का रब मालिक, रब कौन है। जमीन का रब कौन है, जवाब क्या है, अल्लाह। सिर्फ वन एक ही वर्ड में, एक कलमे में जवाब देना है, क्या है, अल्लाह। आपको ये बड़ा जवाब देने का नहीं है, अगर ऐसा जवाब बड़ा देना है तो अल्लाह रब्बुल अराजी लिख सकते, लेकिन आपको ये सवाल ही क्या है, वन वर्ड का है, अल्लाह। बी अब दूसरा देखिए, हलिल्लाहु यबसुरुन नमला, हलिल्लाहु यबसुरुन नमला, क्या अल्लाह चींटी को देखता है, यबसुरुन नमला, क्या अल्लाह चींटी को भी देखता है, नाम, जवाब क्या है इसका, नाम, नाम के माने बोलिए, हाँ, यस, नाम माने हाँ, क्या अल्लाह चींटी को देखता है, सी मन हुआ जू रहमतिन, जू रहमतिन, रहमत वाला कौन है, रहमत वाला कौन है, अल्लाह। इसका भी जवाब क्या है, अल्लाह। डी हल नक्शा मिन अल्लाह, क्या हम अल्लाह से डरते हैं, हल नक्शा मिन अल्लाह, क्या हम अल्लाह से डरते हैं, नाम, इसका भी जवाब क्या है, नाम। هل الله يقتدر على كل شيء؟ يا هل نخشى من الله؟ كيا هم الله سے ڈرتے ہیں؟ كيا هم الله سے ڈرتے ہیں؟ اب دیکھیں ادھر ای هل الله هل الله يقتدر على كل شيء، يا الله هر چیز پر قادر ہے، قادر قدرت رکھتا ہے، نعم، اس کا بھی جواب کیا ہے،
नाम नाम। अब देखिए एक दोबारा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। अजीबन लसीलतिल आतियती भी कलिमतिन वाहिदतिन, एक कलमे में जवाब दीजिए। मन रब्बुल अराजी, जमीनों का रब, जमीन का रब कौन है? अल्लाह अल्लाह। हलिल्लाहु यबसुरुन नमला, क्या अल्लाह चींटी को देखता है? नाम हाँ। मन हुआ जू रहमतिन, रहमत वाला कौन है? अल्लाह। हल नक्शा मिन अल्लाह, क्या हम अल्लाह से डरते हैं? नाम। अब इधर हलिल्लाहु यक्तदिरु अला कुल्ली शयइन, क्या अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है? नाम। अब देखिए आप लोग गौर कीजिए, अब इसके अंदर एक नजम में, एक नजम से आपको कितने सवाल आ सकते। पहला सवाल है, पहला सवाल मिसरे मुकम्मिल कीजिए, मिसरे मुकम्मिल कीजिए, जैसा कि यहाँ पर है बताया गया। मिसरा मुकम्मिल अकमिल बैतैन तायलैन, पहला सवाल रहता है। अकमिल बैतैन बैतैन ताली तालियैन वश्रह हुमा, वश्रह हुमा। मिसरे मुकम्मिल कीजिए और उनकी तशरी कीजिए। इस तरीके से अल्लाहु जल्ला, आपको ये मुकम्मिल करना है। अस्सिफातुल बाखिया, रब्बुस रब्बुस समाई वल मियाहिल जारिया। अब आपको मिसरे को इस तरीके से मुकम्मिल करना है, अल्लाहु जल्ला शानहु शानहु, यहाँ पर क्या लिखना? शानहु। अब ये इसमें लहुस सिफातुल बाकिया, लहुस सिफातुल बाकिया, रब्बुस समाई वल वल अरा, यहाँ पर वी वल अराजी। इस तरीके से मिसरा आप मुकम्मिल करके इसकी तशरी करना है, आपको इसकी तशरी करना है। किस तरीके से? देखिए जवाब इंग्लिश में लिखने वाले इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में लिखने वाले उर्दू में भी इस तरीके से लिख सकते। ये मिसरा, ये शेर, मंदरजा बाला शेर, मंदरजा बाला शेर, नजम अलहम्द से लिया गया है, नजम अलहम्द से लिया गया है। इसमें इसमें शायर अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की हम्द व सना, हम्द व सना बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह अल्लाह बुजुर्ग व बरतर, अल्लाह बुजुर्ग व बरतर, बड़ी शान वो कुदरत वाला है। और वही आसमान आसमान वो जमीन की तमाम मखलूकात, तमाम मखलूकात
का पालने वाला है। पालने वाला है। इस तरीके से आप जवाब मुकम्मल कर सकते हैं। मैं आपको ये मुख्तसर मुख्तसर अंदाज में लिखा है, इसको आप और भी एक्सपेंड बढ़ाए तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, उसके बाद रह गया ये सवाल, सवाल नंबर दो के लिए आपको खुलासा अपने से बनाना पड़ेगा, खुलासा लिख लेना। और इसके बाद सवाल जवाब, सवाल नंबर पांच, पांच में तो मंदरजा, अब इससे पहले मैं आपको बताई कि मी नई नशीदती हाजिल अभियात, जैसे कि यह एक मिसरा है, यह मिसरा किस नजम से लिया गया है वो तो आपको बता दूं। उसके बाद सवाल नंबर सात में, एग्जाम में सवाल नंबर सात में आपको सवाल जवाब, और सवाल नंबर नौ में ये जो अभी अपन लिखे अजीबनी लसीलतिल आतियती बिकलिमतिल वाहिदतिल। अब मैं समझती हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अब दोबारा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।